more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. अगर आप सीरियल नजर के डेली व्यूअर हैं तो आपको बता दें कि आपको एक बार फिर से पिया का सर्पी का रूप देखने को मिल सकता है। जी हाँ, ये तो आप जानते ही हैं कि अंश के लिए ही पिया ने अपना सर्पी का रूप अंश को दे दिया था और इसी वजह से अंश की जान भी बच पाई थी। लेकिन कहाँ अंश दावंश था और ऐसे में उसको सर्पिका की भी शक्तियाँ मिल गई। साथ ही आपने देखा कि किस तरीके से इन सब के बाद अंश का एक और रूप सामने आ जाता है। जी हाँ, सर्प रूप में एक बार फिर से अंश का एक और रूप आ जाता है जिसके बाद अंश को उससे खतरा भी हो जाता है। लेकिन आपको बता दें कि किस तरीके से पिया के सामने बहुत जल्द ये सच्चाई आ जाएगी कि कैसे अंश का एक और सर्प रूप भी सामने आ गया है और ऐसे में पिया अंश की जान बचाने के लिए एक बार फिर से सर्पी का रूप भी ले सकती है। और इन सब के बाद देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किस तरीके से पिया एक बार फिर से सर्पिका बनकर अंश की जान बचाती है। साथ ही ये जानना भी काफी दिलचस्प होने वाला है, सर्पिका बन जाने के बाद भी क्या पिया दैविक रह पाती है। इन सारे सवालों का भी जवाब हम आपको देंगे लेकिन अपनी अगली अपडेट में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से स्वाति की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।